पटना में नरेंद्र मोदी का रोड शो का आयोजन किया जा रहा है। पटना में जो पटना वासी है तम बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो सड़कों पर हैं और नरेंद्र मोदी अपने रथ पर सवार होकर के रोड शो कर रहे हैं। इससे पहले आगे आगे जो बीजेपी के जो पटना के तमाम विधायक हैं वो सड़कों पर हैं और लोगों का अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं पटना के जो विधायक हैं नितिन नवीन हैं, अरुण कुमार सिन्हा हैं और संजीव चौरसिया, ये तमाम जो विधायक हैं वो तमाम लोग जो हैं नरेंद्र मोदी का जो है वो अभिनंदन के लिए आगे आगे चल रहे हैं और नरेंद्र मोदी का रथ जो है कि वो लोगों का अभिनंदन करने के लिए धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। आप तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी रथ पर सवार होकर के लोगों का अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं, उस अभिनंदन को देखते हुए जो पटनावासी हैं उनमें काफ़ी उत्साह है और नरेंद्र मोदी की जयकारा लगा रहे, भारत माता जिंदाबाद जैसे नारे लगा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अब की बार 400 पार नरेंद्र मोदी के। देखिए जिस तरह से नरेंद्र मोदी के रथ पर सवार होकर के आ रहे हैं उससे आगे पहले जो महिलाएं हैं बीजेपी की जो महिला मोर्चा है उनके द्वारा पूरी तरह से पूरा पटना को भक्तिमय कर दिया गया है, मोदीमय कर दिया गया है। महिलाओं का ये हुजूम आप देख सकते हैं कि एकदम भगवा रंग में ढल चुकी है। महिलाएं नरेंद्र मोदी की जयकारा के लिए आगे आगे चल रही हैं और नरेंद्र मोदी के जो रथ हैं उनके आगे आगे चलकर लोगों का अभिनंदन स्वीकार कर रही हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं नरेंद्र मोदी जो हैं वो रथ पर सवार होकर के लोगों का अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं नरेंद्र मोदी ये रथ पर सवार होकर के लोगों का अभिनंदन कर रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं, उन्हें देख करके ये काफ़ी खुशी होगी कि आज पटना की सड़कों पर जो है उनके अभिनंदन को स्वीकार है और लगातार आप देख सकते हैं उनके साथ जो सुरक्षाकर्मी फूलों की बारिश की जा रही है, जगह जगह से फूलों की बारिश की जा रही है। नरेंद्र मोदी के पूरे जो रथ के आगे जो उनके सुरक्षाकर्मी हैं उनकी पैनी नज़र है और जो छत से लेकर के ऊपर से नीचे तक जो है तमाम जो लोग हैं वो उनके अभिनंदन कर रहे हैं। आप पूरा जो आप ये तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं एक बड़ा काफिला है नरेंद्र मोदी के साथ और नरेंद्र मोदी आज पूरा पटना जो है नरेंद्र मोदी के ऐसा लग रहा है जैसे कोई त्यौहार मना रहे हैं, कोई त्यौहार का माहौल बन गया। हाँ। क्या इससे पहले भी कभी आपने इस तरह का कभी नहीं। क्या लगता है नरेंद्र मोदी का जो नारा अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, 400 बार मोदी सरकार, अब मजा आ जाएगा, जल्दी आना चाहिए मोदी सरकार को, बिहार में बहुत रहती है। अब की बार मोदी सरकार 40 में 40 सीट, जय श्री राम, जय श्री राम। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि लोगों का जो हुजूम है अब की बार 400 पार, अब की बार 40 की 40 सीट, तो ये तमाम तरह के नारे लगाए जा रहे हैं और जो जिस तरह का जो माहौल था आज पटना में उस पर जानते हैं कि बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा लगा एकदम। मोदी जी के लिए सब लौट लौट के आ रहे थे, सब वापस आ रहे थे, वापस जा जा के भी वापस घर से आ रहे थे। इससे पहले इस तरह का कोई आयोजन कभी नहीं देखे। क्या लगता है कि मोदी जी का नारा कितना सफल होगा? हाँ बिल्कुल, 400 पार। क्या कुछ कहेंगे मैडम जी? आई वांट मोदी, मोदी 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 सरकार, मोदी अब की बार मोदी सरकार। ठीक है मोदी, अब की बार मोदी के नाम है जी जी। जब आपने मेहंदी को दिखाई है क्या संदेश देना चाह रही हैं मोदी सरकार को लेकर के और मोदी सरकार जिस तरह पटना में रोड शो? नहीं, मैं मोदी सरकार को इस बार भी आने के लिए बोलती हूँ कि मोदी सरकार जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, इनके जैसा कोई आया नहीं था और ना आएगा। रोड शो को देख करके काफी खुशी महसूस कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री का जो ये रोड शो है ये ऐतिहासिक है, आज तक इससे पहले कोई किसी भी प्रधानमंत्री का रोड शो नहीं हुआ है, तो ऐसे में ये ऐतिहासिक पल है और निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी का जो अब की बार 400 पार का नारा है उसे सफल बनाने के लिए पटनावासी सड़क पर आए हैं। अब देखना यह है कि क्या नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया यह नारा अब की बार 400 पार सफल हो पाता है या नहीं। दर्श न्यूज के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।